समय समय पर हमने अपनी जिंदगी में डायन और चुड़ैलों के कई किस्से सुने हैं। हमारे देश भारत में इनकी कहानियां अक्सर सुनने को मिलती हैं। अक्सर लोगों का ये दावा है कि जब वह देर रात को घर लौट रहे होते हैं तो एक वीरान सड़क से गुजरने पर उनका सामना एक ऐसी औरत से हुआ जिसके लंबे बाल और बड़े बड़े नाखून थे और वैशकनाक आंखें थी। डायन और चुड़ैल के पैर पीछे की तरफ मुड़े होते हैं। चुड़ैल उस औरत की आत्मा है जिसकी मौत गर्भ अवस्था के दौरान हो जाती है और ससुराल में उस पर काफी अत्याचार किया जाता है। भारतीय संस्कृति पर नजर डाली जाए तो डायन शब्द दरअसल संस्कृत के एक शब्द डाकिनी से निकला है। डाकिनी का जिक्र हिंदू धर्म की प्राचीन किताबों में है। कहा जाता है कि डाकिनी काली माता को मानने वाली एक शैतानी किरदार थी जिसके पास कई जादुई शक्तियां थी और वह इंसान का मांस खाया करती थी। अगर आपको याद हो, मैंने महाराष्ट्र के एक गांव हरंगुल पर एक वीडियो बनाई थी जो डायन और चुड़ैलों के लिए काफी मशहूर है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मिस्टीरियस नाइट्स इंडिया और आज इस वीडियो में हम आपको विच ट्रायल से रूबरू करवाएंगे जिसमें यूरोप और अमेरिका में महिलाओं को चुड़ैल होने के नाम पर जिंदा जला दिया जाता था। प्राचीन यूरोप में एक प्रथा निभाई जाती थी जिसे विचक्राफ्ट कहा जाता था। इस प्रथा को निभाने वाली महिलाओं को विच और मर्दों को विजार्ड कहा जाता था। समय के साथ साथ जब यूरोप में ईसाई धर्म फैलना शुरू हुआ तब वहां के चर्च ने ये कानून बनाया कि जो भी महिला विचक्राफ्ट प्रैक्टिस करती हुई पकड़ी गई तो उसे मौत की सजा दी जाएगी। इस कानून का नतीजा ये निकला कि जिस भी महिला पर डायन होने का आरोप लगता उसे बिना किसी तहकीकात के ही जिंदा जला दिया जाता था। उस समय किसी भी इंसान का ये कह देना काफी होता था कि ये महिला चुड़ैल है। साल 1484 से 1750 तक यूरोप में डायन के नाम पर 2,00,000 से भी ज्यादा महिलाओं को सजाए मौत दी गई थी। इन 250 सालों में यूरोप भर के पादरियों ने महिलाओं को डायन के आरोप में जिंदा जलाकर या फिर पानी में डुबोकर मौत के घाट उतार देने के आदेश जारी किए। गांव के लोगों को इकट्ठा करते, उनके बीच अदालत लगाते और आरोपी महिला पर सब लोग थूकते, उसका मजाक उड़ाते और आखिर में उसे सूली पर बांधकर उसे जिंदा जला देते। इस हादसे को विच ट्रायल के नाम से जाना जाता है। यूरोप में उस समय ऐसे लोग हुआ करते थे जो हर समय डायन या चुड़ैलों की तलाश करते रहते थे और उन्हें पकड़ने के बाद उन्हें जिंदा जला दिया करते थे। इन लोगों को विच हंटर्स कहा जाता था। धीरे धीरे विच हंटिंग एक कामयाब पेशा बन गया क्योंकि इसमें इज्जत भी थी और दौलत भी। सरकार की तरफ से इनको अच्छी खासी तनख्वाह, बड़ी बड़ी सहूलतें और कानूनी कार्रवाई करने का हक भी दिया गया था। डायन के आरोप में पकड़े जाने वाली महिलाओं को लेकर पादरियों का ये कहना था कि जब तक वे अपने जुर्म को स्वीकार ना कर लें तब तक उन्हें खूब तड़पाना चाहिए और अगर इस बीच उनकी मौत हो जाए तो उनकी जिम्मेदारी शैतान लेता है। इस कानून को पोप की रजामंदी भी हासिल थी, इसलिए पूरे यूरोप में जगह जगह अदालतें बनाई जाती। महिलाओं को डायन के आरोप में गिरफ्तार किया जाता और आखिर में जिंदा जला दिया जाता था। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि कानून का गलत इस्तेमाल भी किया जा सकता है, ठीक इसी तरह पहले इस कानून की मदद से सिर्फ बूढ़ी और गरीब महिलाओं पर ही अत्याचार होते थे, लेकिन जायदाद की लालच में मिडिल क्लास और अमीर घराने की महिलाओं को भी निशाना बनाया जाने लगा। उन महिलाओं को टॉर्चर करके मजबूर किया जाने लगा कि वह डायन होने का इल्जाम कबूल करें। इसी के चलते महिलाओं का डायन के नाम पर कत्लेआम होना और उनकी जायदाद हड़पने में बढ़ोतरी होने लगी। इसी के साथ चुड़ैलों की कुछ निशानियां भी घोषित कर दी गईं, जिससे उन्हें पहचानना आसान हो सके, जैसे कि चेहरे पर तिल होना
या किसी और तरह का निशान, यहाँ तक के किसी कीड़े के काटे जाने का निशान भी इसमें शामिल था। कहा जाता है कि उस समय मैथ्यू हॉपकिंस नाम का एक विच हंटर हुआ करता था, जो दिन में कम से कम 20 महिलाओं को चुड़ैल होने के आरोप में जिंदा जला दिया करता था। इतिहासकार इस आदमी को विच फाइंडर जनरल के नाम से जानते हैं। यूरोप के सभी चर्च के पादरी उसका समर्थन करते थे। इस काम के बदले सरकार और चर्च की तरफ से अच्छी खासी रकम मिला करती थी। हालात अब यूं हो चुके थे कि जब भी किसी महिला पर चुड़ैल होने का आरोप लगता तो मुकदमा बाद में चलता और आम लोगों का एक गिरोह उस औरत को पकड़कर मार डालता था, और अगर उस पर मुकदमा चलता भी तो कोई भी उस महिला के हक में आवाज नहीं उठाता था। विच ट्रायल नाम की ये प्रथा यूरोप के साथ साथ अमेरिका में भी फैल गई, जिसमें सबसे ज्यादा मशहूर है सेलेम का विच ट्रायल। कहा जाता है कि अमेरिका के सेलेम शहर में हर 4 में से एक महिला को डायन के नाम पर कत्ल कर दिया जाता था। इतिहासकारों के मुताबिक अक्सर महिलाओं की दौलत और जायदाद हड़पने के लिए या फिर उनसे छुटकारा पाने के लिए उन्हें जिंदा जलाया जाता था। आपको बता दें कि जब किसी भाई को पूरी जायदाद पर कब्जा करना होता था तो वह अपनी बहन पर चुड़ैल होने का आरोप लगा देता था। इसी तरह अगर किसी पति को अपनी पत्नी से छुटकारा चाहिए होता था तो वह भी उस पर डायन होने का आरोप लगाकर उसे जिंदा जला दिया करता था। इतिहासकारों के मुताबिक इस अत्याचार का शिकार अक्सर वो महिलाएं होती थी जो हिस्टेरिया नामक बीमारी से पीड़ित थी। दोस्तों, आपको बता दें कि हिस्टेरिया एक ऐसी मानसिक बीमारी है जिसमें इंसान अपनी भावनाओं पर पूरी तरह से नियंत्रण खो देता है। इस बीमारी का मुख्य कारण क्या है, ये आज तक एक रहस्य है। दोस्तों, यूरोप में तो ये प्रथा समय के साथ बंद हो गई, लेकिन आज भी दुनिया के कुछ हिस्सों में ये देखने को मिलती है, जहां महिलाओं पर डायन होने के आरोप में उन्हें जिंदा जला दिया जाता है। आपकी इसके बारे में क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हम जल्द आपसे अगली वीडियो में मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए।